हेलो फ्रेंड्स। सो आज लंच में मैं बना रही हूँ गाजर और मटर की सब्जी। मटर ना इस टाइम पे बहुत मीठी आ रही है, और एंड लाल वाली गाजर भी। सो कुछ क्या खास है इसमें? कुछ भी खास नहीं है, सबको बनानी आती है। तो 13 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी और मैं चेन्नई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब मैंने देखा कि मेरे इन-लॉज जो है मटर और गाजर मिक्स करके सब्जी बनाते हैं। मुझे नहीं आती थी उसको, क्योंकि मैंने ये कॉम्बिनेशन ही देखा। हम सिर्फ मटर खाते थे, गाजर की सब्जी कभी नहीं खाई थी। तो मतलब खाई थी, पर साउथ इंडियन स्टाइल के जो पोरियल्स होते हैं ना, वो सब खाई थी। सो ये पता ही नहीं था गाजर मटर मिलके भी बहुत यमी सी सब्जी बनती है। सो देखें किस तरीके से मैं बनाती हूँ। सो गाजर मटर बनाने के लिए ये मैंने गाजर को ना छील के कुछ इस तरीके से गोल गोल काट लिए, बहुत मोटी नहीं बहुत पतली नहीं, और मुट्ठी भर सी गाजर मटर ले लिए। मैं ज़्यादा सब्जी नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम रखी है। ये मैं पैन में कढ़ाई में घी गरम कर रही हूँ। आप तेल में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में, नॉर्मल तेल में, कोल्ड प्रेस तेल में, रिफाइंड में, किसी में भी। पर स्वाद जो घी में आता है ना, आई थिंक बहुत अच्छा आता है। तो घी गरम हो गया है, नहीं 2 मिनट और लगेगा। हो गया घी गरम, मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। हींग मेरा फेवरेट ऑप्शन है, आपको पसंद हो तो आप डालें, वरना कोई बात नहीं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी। ये मैं मिर्च हाथ में लेके खड़ी हूँ, और साथ में मैं ले रही हूँ पानी, ताकि मिर्ची जो है ना जले नहीं गरम तेल में। ये डाली मिर्च, 1 मिनट उसे चलने दें। मैंने ढक्कन इसी लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये उछलता है पानी डालते ही तेल में। अब ये नॉर्मल हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी गाजर और मटर। बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ अब नमक, ताकि गाजर और मटर ना फटाफट से गल के बन जाए। थोड़ा सा नमक, और मेरा फेवरेट काला नमक, तो मैंने उस हिसाब से नमक कम डालती क्योंकि मुझे डालना होता है काला नमक भी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। बहुत ही लोगों को लगता है कौन डालता है सब्जी में चीनी, इसमें चीनी। मटर तो मीठी है ही, गाजर भी है, पर एक हल्की सी एक चुटकी डालने से ना, हम इसे पास बोलते हैं मारवाड़ी में, तो चीनी की पास हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर और निखर के आता है। मुझे भी लगता था ये मम्मी चीनी क्यों डालती है इनमें मटर की सब्जी में, पर सच में बहुत ही अच्छा बन के निकलता है। तो ये कर लेते हैं हम सारा मिक्स। मैं अभी धनिया पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि मैं नहीं चाह रही मेरी जो सब्जी ना थोड़ी काली सी हो जाए, क्योंकि कुक करते करते ना धनिया का रंग हल्का सा चेंज हो जाएगा। ढक लगा देते हैं और मुश्किल से 4-5 मिनट में ही कुक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मोटे कट किए हुए नहीं है और ये जल्दी सीज जाएंगे। तो ये देखिए अब जो है ना हमारी सब्जी पक चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये देखिए, लेट मी शो यू। ये देखिए कितने आराम से जा रहा है, बिल्कुल गलाइए, बस मुंह में आता है ना हल्का सा वो कड़कपन अच्छा लगता है। और मटर भी हो चुकी है, लवली। ये देखिए मटर भी पक चुकी है बढ़िया सी। सब में मैं डालूंगी अपने बाकी के मसाले, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि आज मैं इसमें डालूंगी अपना फेवरेट किचन किंग मसाला। तो ये एक है ना, इस डिश को अलग ही लेवल पे ले जाता है। तो ये मैंने डाला थोड़ा सा किचन किंग मसाला, हल्का सा ना गरम मसाला, बड़ा मामूली सा, बहुत वो भी अच्छा फ्लेवर देगा। अगर आप देखेंगे ना, पहले राजस्थान में क्या था कि टमाटर और ये ना मिलना मुश्किल होता था, तो हमारी जो क्यूजाइन की जो राजस्थान की जो डिशेज है ना, बहुत ही सब्जियां हैं जिनमें टमाटर की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सो आप मेरी भी अगर कई सब्जियां देखोगे ना, मैं बिना टमाटर की ही बनाती हूँ। वो तो मैं दिल्ली में आके रहने लगी हूँ, उसके बाद से मैं टमाटर का ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ। तो ये देखिए ये बन चुकी है हमारी सब्जी, मैंने कर दी है गैस स्विच ऑफ। आप देख रहे हैं अभी भी इसका रंग कितना अच्छा और ब्राइट है, ये इस वजह से है क्योंकि हमने हल्की सी चीनी डाली थी। तो वो चीनी ना सिर्फ इसमें एक
अलग सी मिठास लाएगा, बट जो सब्जी का रंग है ना वो भी बिल्कुल ब्राइट रखेगा। सो ये आप रोटी के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, यू नो कैसे भी खाएं, बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस सब्जी बनती है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।